हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर पिछले वीडियो में हमने सी की आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था आज हम सी एस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे सी में टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं सबसे पहले है टेक्स्ट कलर कलर प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं इसमें हम कलर नेम भी दे सकते हैं एक्साइड वैल्यू भी दे सकते हैं कलर की और आर मेथड को यूज करके भी कलर लगा सकते हैं इसके बाद है टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने टेक्स्ट को हॉरिजेंटली अलाइन कर सकते हैं इसमें हम लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई सेट कर सकते हैं अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे इसके बाद है वर्टिकल अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं चलिए अब हम इनको प्रैक्टिकली करते हैं यहाँ पर मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में एच टी एम एल की बेसिक कोडिंग कर रखी है इसमें मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को लिंक करवा रखा है अब मैं यहाँ पर एक डिव ले, ले लेता हूँ और उस पर मैं क्लास लगाता हूँ बॉक्स और के अंदर हम एक हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं के केएस कंप्यूटर और इसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ ले, ले लेते हैं और उसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसका रिजल्ट इधर आ गया है अब हम इसमें कलर लगाते हैं तो कलर लगाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट बॉक्स और एच टू जैसे हमें हेडिंग में कलर लगाना है तो यहाँ पर लिखेंगे कलर जैसे हमें इसमें रेड कलर लगाना है तो इसमें लिख देंगे रेड और इसको मैंने सेव किया यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इस हेडिंग पर रेड कलर आ गया है हम किसी भी पैराग्राफ पर भी कोई कलर लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम लिखेंगे डॉट बॉक्स पैराग्राफ और यहाँ पर हम लिखते हैं कलर और कलर में हम आर भी दे सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया आर और जीरो टू फोर्टी फोर कॉमस जीरो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसमें ग्रीन कलर सेट हो गया है अगर आप वी एस कोड यूज कर रहे हैं तो आप कलर पिकर को यूज करके भी कलर लगा सकते हैं जैसे मैं माउस के ऊपर लेके गया तो यहाँ पर देखिए कलर पिकर आ गया है आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अब हम इसमें टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को देखेंगे तो उससे पहले हम अपने बॉक्स को कुछ हाइट और विड़त दे लेते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट बॉक्स और यहाँ पर हम इसकी हाइट कर देते हैं 400 हंड्रेड पिक्सल और इसकी विड़त कर देते हैं 400 हंड्रेड पिक्सल बॉर्डर लगा देते हैं एक फाइव पिक्सल सॉलिड ब्लैक और मार्जिन इसकी कर देते हैं टॉप से कर देते हैं ट्वेंटी पिक्सल और लेफ्ट राइट right से कर देते हैं ऑटो और इसको मैंने सेव किया रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारा बॉक्स सेंटर में आ चुका है अब जैसे हम अपनी इस हेडिंग को राइट में रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट आईफन एलाइन और यहाँ पर हम लिख देंगे राइट और इसको मैंने सेव किया रिफ्रेश करते हैं तो देखिये हेडिंग हमारी राइट में आ गई है इसी तरीके से हम इसमें लेफ्ट भी दे सकते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेफ्ट ही होती है और इसमें हम सेंटर भी दे सकते हैं सेंटर सेंटर करेंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा इसकी चौथी वैल्यू होती है जस्टिफाई उसको हम पैराग्राफ पर लगाते हैं जैसे हमारे इस पैराग्राफ में राइट right से ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है यानी ये तीनों लाइंस हमारी बराबर नहीं है तो अगर हम टेक्स्ट एलाइन में जस्टिफाई सेट कर दें तो ये हमारी लाइन बराबर हो जाएगी टेक्स्ट हाइफन एलाइन और इसमें कर देते हैं जस्टिफाई और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ये तीनों लाइन्स हमारी बराबर हो चुकी है इसके बाद हम वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में और यहाँ पर एक स्पैन टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी एस एस थ्री और यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं अपने इस स्पेन की स्टाइलिंग कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट बॉक्स स्पेन और यहाँ पर इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक और इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज यहाँ पर कर देते हैं थर्टी पिक्सल और इस स्पेन का हम फॉन्ट साइज कर देते हैं टेन पिक्सल अब मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो ये यह देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट आ चुका है ये देखिए जो हमने स्पेन के अंदर सी एस एस थ्री लिखा था ये सी एस एस थ्री यहाँ पर आ रहा है अब हम इसमें वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकल हाईफन एलाइन अगर हम इसमें टेक्स्ट टॉप कर देंगे टेक्स्ट हाइफ़न टॉप तो ये जो सी एस थ्री हमने लिखा हुआ है इस लाइन के टॉप में चला जाएगा इसको मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए इस लाइन के टॉप पर चला गया है इसी तरीके से हम इसमें टेक्स्ट बॉटम भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉटम इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस लाइन के बॉटम में ये आ गया है अगर हम इसमें मिडिल कर देते हैं मिडिल मिडिल करने से ये सेंटर में आ जाएगा इसको रिफ्रेश किया तो देखिए सेंटर में आ गया है और अगर हम इसमें कर देते हैं सब सब का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट तो सब स्क्रिप्ट करने से ये इस लाइन के नीचे आ जाएगा इसको मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए और इसी तरीके से हम इसमें सुपर भी कर सकते हैं सुपर सुपर का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये इस लाइन के ऊपर जा चुका है तो इस तरीके से हम वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी को इसमें यूज कर सकते हैं आगे है टेक्स्ट डायरेक्शन डायरेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने पैराग्राफ या हेडिंग की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं इसके साथ हम यूनिकोड बी डी प्रोपर्टी को यूज करते हैं चलिए अब हम इसको करते हैं इसके लिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं स्पेन वाले ब्लॉक और इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं ट्वेंटी पिक्सल इसको सेव किया रिफ्रेश किया तो ये देखिए ट्वेंटी पिक्सल हो गया है यहाँ पर देखिए ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट लिख रहा है अब हम इसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं डायरेक्शन और इसमें हम लिखेंगे आरटीएल आर टी एल का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट और इसकी दूसरी वैल्यू होती है एल टी आर उसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और इसके साथ हम यूज करते हैं यूनिकोड बी डी इसमें हम दे देते हैं बी डी बी डी हाइफन ओवर राइड बी डी का मतलब होता है बायो डायरेक्शनल इसको मैंने सेव किया और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा इसको मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए ये राइट टू लेफ्ट हो गया है और अगर हम इसमें एल करते हैं एल इसमें वाई डिफॉल्ट होता ही है एल से ये लेफ्ट टू राइट लिखेगा इसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी भी हेडिंग या पैराग्राफ के ऊपर नीचे या बीच में लाइन लगा सकते हैं और फिर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने लिखे हुए पैराग्राफ या हेडिंग को कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल लेटर में कर सकते हैं तो चलिए अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो अब हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं अब जैसे हम इस हेडिंग के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एस टू वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन डेकोरेशन और इसमें हम कर देते हैं अंडरलाइन अंडरलाइन करने से इसमें अंडरलाइन लग जाएगी और अगर हम इसमें कर देते हैं ओवरलाइन ओवरलाइन, ओवरलाइन करने से इसके टॉप में लाइन आ जाएगी अगर हम इसमें कर देते हैं लाइन थ्रो तो इसके बीच में लाइन आ जाएगी इसको मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए, बीच में लाइन आ गई है और इसकी जो चौथी वैल्यू है नन उसको हम किसी एंकर टैग की अंडरलाइन को हटाने के लिए यूज करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ हैश और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीड मोर और इसको मैंने सेव किया रिफ्रेश किया देखिए जब भी हम एंकर टैग को यूज करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आते ही है अब अगर हम इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट बॉक्स क्योंकि ये बॉक्स क्लास के अंदर है और यहाँ पर हम ए लिखते हैं और यहाँ पर हम एंकर टैग को लिखते हैं और यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और इसको कर देते हैं नन नन करने से इसकी अंडरलाइन हट जाएगी ये देखिए इसकी अंडरलाइन हट चुकी है इसके बाद अब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ से हटा देता हूँ जैसे हमने इस पैराग्राफ को स्मॉल लेटर्स में लिख रखा है अब लिखने के बाद हम इसको कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर हम कर देंगे अपर कैश अपर कैश करने से ये कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं लोअर कैश तो लोअर केस करने से सभी लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। ये देखिए सभी लेटर्स स्मॉल हो चुके हैं यहाँ तक कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो है वो भी स्मॉल हो चुका है और इसकी तीसरी वैल्यू है कैपिटलाइज कैपिटलाइज करने से हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा इस तरीके से इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो टेक्स्ट स्पेसिंग से रिलेटेड हैं सबसे पहले है टेक्स्ट इंडेंशन जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में जो स्पेस होता है ये वाला स्पेस तो उसको इंडेंशन कहते हैं हम अपने वेब पेज में टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज करके इंडे सेट कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं अब हम यहाँ पर इंडेंशन सेट करते हैं यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन इंडेंट और यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया हंड्रेड पिक्सल इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन की लेफ्ट साइड में जो स्पेस है इसी को इंडेंटेशन कहते हैं हम यहाँ पर 50 पिक्सल भी कर सकते हैं 50 पिक्सल करने से इसमें 50 पिक्सल का इंडेंटेशन सेट हो जाएगा इसके बाद है लेटर स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करके हम लेटर्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं लाइन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको लाइन हाइट कहते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज करके हम लाइंस के बीच के स्पेस को बढ़ा या घटा सकते हैं इसके बाद है वर्ड स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करके हम वर्ड्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं लेटर स्पेसिंग से अक्षरों के बीच में स्पेस आता है और वर्ड स्पेसिंग से शब्दों के बीच में स्पेस आता है अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं तो यहाँ से मैं टेक्स्ट इंडेंट हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेटर हाइफन स्पेसिंग और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए हर अक्षर के बीच में ट्वेंटी पिक्सल का स्पेस आ चुका है अब अगर हम पर करते हैं वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग करने से वर्ड्स के बीच में ट्वेंटी स्पेस आ जाएगा अगर मैं यहां पर कर देता हूँ थर्टी पिक्सल तो थर्टी पिक्सल स्पेस आ जाएगा और इसके बाद है लाइन हाइट यहाँ पर देखिए इन लाइंस के बीच में जो स्पेस इस है इसी को लाइन हाइट कहा जाता है अब मैं यहां पर लाइन हाइट लिखता हूँ लाइन हाइफन हाइट और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल और इसको मैंने सेव किया रिफ्रेश किया तो ये देखिए लाइंस के बीच में 40 पिक्सल स्पेस आ चुका है अगर हम यहाँ पर कर देते हैं जीरो पिक्सल तो लाइंस के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रह जाएगा सभी लाइन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं अब आगे देखते हैं आगे है टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग के टेक्स्ट पर शेडो लगा सकते हैं इसमें चार वैल्यू दी जाती हैं। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो जैसे हम अपनी हेडिंग में शेडो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन शेडो इसमें जैसे हमने लिख दिया टेन पिक्सल और फिर लिख दिया मैंने फिफ्टीन पिक्सल और इसको मैंने सेव किया तो इससे क्या होगा कि हमारी जो शेडो होगी वो इस हेडिंग से 10 पिक्सल राइट की तरफ जाएगी और 15 पिक्सल बॉटम की तरफ आएगी और इसमें हम कलर भी दे सकते हैं जैसे मैंने ग्रीन दे दिया और इसको ब्लर भी कर सकते हैं इसको मैं 3 पिक्सल ब्लर कर देता हूं इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए 3 पिक्सल ब्लर हो चुकी है और इसमें ग्रीन कलर आ गया है अगर हम इस शेडो को लेफ्ट में दिखाना चाहें या टॉप में दिखाना चाहें तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर माइनस में देंगे यहाँ पर माइनस टेन पिक्सल कर देते हैं माइनस फिफ्टीन पिक्सल और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए टॉप में और लेफ्ट में जा चुकी है और फिर है व्हाइट स्पेस व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एलिमेंट के व्हाइट स्पेसेस को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने ये पैराग्राफ लिख रखा है अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ व्हाइट स्पेस और इसमें हम कर देते हैं नो रैप इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए नो रैप करने से ये पूरा कंटेंट एक ही लाइन में चला गया है और अगर हम इसमें लगा देते हैं प्री तो प्री लगाने से हमने कंटेंट जैसा भी लिखा था वैसा ही आएगा जैसे मैंने यहां पर इंडेक्स डॉट में यहां पर एंटर कर दिया और यहां पर एंटर कर दिया और इसको सेव किया रिफ्रेश किया तो यहां पर देखिए जहां जैसे हमने लिखा था जहां जहां पर एंटर किया था वहां से लाइन चेंज हो रही है तो प्री वैल्यू देने से क्या होता है कि जैसा भी हम कंटेंट लिखते हैं वैसा ही यहाँ पर शो होता है और अगर नो no रैप कर देंगे नो रैप नो रैप से पूरा कंटेंट हमारा एक ही लाइन में चला जाता है नो no रैप का मतलब होता है कि ये लाइन को चेंज नहीं करेगा और फिर आगे है टेक्स्ट ओवरफ्लो जब हमारा कंटेंट एलिमेंट के बाहर चला जाता है तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करके हम टेक्स्ट के ओवरफ्लो को हैंडल कर सकते हैं इसके साथ हम दो और प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं व्हाइट स्पेस और ओवरफ्लो जैसे मैंने यहाँ पर व्हाइट स्पेस यूज कर रखा है अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ओवरफ्लो ओवरफ्लो और इसमें मैं कर देता हूँ हिडन तो हिडन करने से क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ हमारा इस एलिमेंट से बाहर जा रहा है ये हाइड हो जाएगा इसको मैंने रिफ्रेश किया ये देखिए हाइड हो चुका है अब मैं इसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ टेक्स्ट हाइफन ओवरफ्लो और इसमें हम लगाते हैं क्लिप तो क्लिप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्लिप लगाने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अब हम इसमें लगाते हैं इलिप्सिस जैसे हम इसमें इलिप्सिस लगाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर तीन डॉट आ जाएंगे इससे यूजर को ये संकेत मिल जाएगा कि ये कंटेंट हमारा अधूरा है तो इस तरीके से हम टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग